नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको यूरोपीय व्यापार की संरचना और उसके तरीके पर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, व्यापार के दृष्टिकोण से भारत ने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में व्यापार को एक नया स्वरूप देखने को मिलता है और इन औपनिवेशिक खोजों का मूल जो कारण था वो व्यापार ही था। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो यूरोप की वित्तीय समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापारिक समीकरण रखना उनकी एक मजबूरी थी, और इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले भारत व अन्य एशियाई देशों से व्यापारिक मार्ग की खोज प्रारंभ की। 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री रास्ते की खोज अपने आप में एक नया उदाहरण है। वाणिज्यवादी विश्वास के अनुसार सोने चांदी की ईंटों का निर्यात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं समृद्धि के लिए नुकसानदेह होता है। इस कारण से हम देखते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रों का अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करना उनकी एक जरूरत थी, और मसालों के दृष्टिकोण से लौंग और तांबा उनके लिए बहुत ज़रूरी था। भारतीय सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत जो थे, जो व्यापारी थे फारसी कालीन, वो इसे यूरोप में पहुंचाते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री के भारी मुनाफे कमाते थे। इस तरह से एक त्रिकोणीय व्यापार उनके द्वारा आरंभ किया गया। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अमेरिका के बागानों के लिए दासों की नियुक्ति करती थी, और ये दास अफ्रीका के पश्चिम तट से लाए जाते थे। इसी पृष्ठभूमि के साथ व्यापार आगे बढ़ा। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज ज़्यादा सफल क्यों हुए, इसके पीछे कई कारण हैं। सभी यूरोपीय राष्ट्रों को नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापार के तौर पर सर्वाधिक सफलता मिली। अन्य यूरोपीय शक्तियां में पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता बहुत ही निर्णायक थी। इसके मूल कारण ये थे। जो सबसे प्रमुख कारण था वो था व्यापारी कंपनियों की संरचना और प्रकृति। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलकर बनी थी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। और फ्रांसीसी कंपनी में राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे। राजा द्वारा शेयर धारकों में दो निवेशक निदेशकों का मनोनयन किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त होता था। इस प्रकार से देखा जाए तो सरकार का इंटरफेरेंस कंपनी के आंतरिक कार्यों में होता था। नौसेना की सर्वोच्चता के दृष्टिकोण से ब्रिटिश बहुत सफल रहे, क्योंकि उन्होंने रॉयल नेवी ऑफ इंग्लैंड, जिसे हम रॉयल नेवल के नाम से भी जानते हैं, उसने फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और इस कड़ी में उन्होंने पुर्तगालियों और डचों को भी पराजित किया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो इंग्लैंड यूरोप में हुई, उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सूती वस्त्र, भाभिनियन मशीन, करगा जैसे अन्य मशीनों की खोज
के कारण उनकी डिमांड पूरे विश्व में होने लगी, और यह भी एक कारण रहा कि उनका प्रोडक्शन बढ़ा और उनकी डिमांड पूरे विश्व में हुई। सैन्य कौशल और अनुशासन के दृष्टिकोण से ब्रिटेन के सिपाही अत्यंत अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। यही कारण रहा कि उनको हर जगह सफलता मिली। स्थाई सरकार के दृष्टिकोण से 1688 की गौरवमयी क्रांति के उपवास से ब्रिटेन में दक्ष राजशाही राजतंत्र के साथ स्थायी सरकार रही। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1779 में अहिंसा क्रांति हुई। उसके बाद नेपोलियन युद्ध 1815 में नेपोलियन की पराजय से फ्रांस की स्थिति और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इटली में 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। इस तरह से देखे जाए तो सभी यूरोपीय राष्ट्रों में कहीं ना कहीं कोई समस्या थी, लेकिन इंग्लैंड में एक निश्चित सफलता के हिसाब से चल रही है। ब्रिटेन में धर्म के प्रति न्यूनतम उत्साह था, ईसाइयत के प्रति उनका कम रुझान था। उनका रुझान व्यापारिक और व्यापार पर था। केवल ऋण बाजार का यूरोप ब्रिटेन में अन्य यूरोपियों की शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्ति के पीछे युद्धों के वित्तीय ऋण व्यापार का जो बाजार था उसमें ब्रिटेन ने अधिक सफलता अर्जित की। इसके पीछे कारण यह था कि उसमें सरकार की गारंटी होती थी, जिसके अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, और सेना के पर भी ब्रिटेन के लोग अधिक व्यय करते थे। यही कारण रहा कि उन्हें उनको सफलता अर्जित हुई और उन्होंने पूरे एशिया में अपने व्यापार के एक प्रमुख छोड़ या छाप स्थापित की। धन्यवाद।